निजी स्कूल संचालकों की तरफ से अभिभावकों पर फीस की मांग को लेकर दबाव बनाया जा रहा है। अभी यह भी क्लियर नहीं है कि स्कूल कब खुलेंगे और दूसरी तरफ अभिभावकों पर ऑनलाइन क्लासेज के नाम पर फीस का दबाव बना हुआ है। ऐसी स्थिति में अब कुछ प्राइवेट स्कूल संचालकों ने अभिभावकों के पक्ष में बड़ा फैसला ये किया है कि वो अपने स्कूल के बच्चों की फीस तब तक नहीं लेने की बात कह रहे हैं जब तक बच्चे स्कूल में नहीं आने लग जाते हैं। यानी कि जब तक स्कूल नहीं जाते हैं तब तक वो किसी तरह का कोई शुल्क अभिभावकों से नहीं लेंगे। ऐसी स्थिति में एक स्कूल संचालक ने जब अपने स्कूल की तरफ से ऐलान किया कि वो बच्चों की फीस नहीं लेंगे तो इससे उस स्कूल संचालक पर अन्य निजी स्कूल संचालकों की तरफ से किस तरह का दबाव बनाया गया ये आप सोच नहीं सकते हैं। हताश अब परेशान उस स्कूल संचालक ने एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल की है जो कि हमारे पास भी पहुंची है। उस वीडियो में वो स्कूल संचालक न केवल प्राइवेट स्कूल संचालकों को फीस मांगने के लिए मना कर रहे हैं बल्कि निजी स्कूल संचालकों पर काफी गंभीर आरोप भी लगा रहे हैं। तो आप भी सुनिए उस स्कूल संचालक की वो वीडियो जिसमें वो अन्य स्कूल संचालकों को काफी ज्यादा नसीहत दे रहे हैं, वही स्कूल संचालकों की सच्चाई भी बता रहे हैं। अगर आपको इस स्कूल संचालक की बात सही लगे तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि ग्रेविटी स्कूल टॉप कर रहा है पूरे साल की, जब तक स्कूल नहीं लगे सत्र 2021 की फीस माफी कर दी। इस चीज को लेके स्कूल वालों को ये बात हजम नहीं हुई, गले नहीं उतरी। मेरे पास फोन आया कि आपने ऐसा किया तो सोशल मीडिया पे क्यों डाला, ऐसा क्यों किया, हम लोगों के ऊपर प्रेशर बना रहे हैं पेरेंट्स। तो मैं उन स्कूल वालों को बोलना चाहता हूँ कि जब यही पेरेंट्स तुमको सालों से फीस दे रहे हैं, तुमको डायरेक्टर बना दिया, तुम्हारी बसों की किस्त भर दी, तुम्हारी बिल्डिंगों की किस्त भर दी, तब ये पेरेंट्स अच्छे थे। और अब ये पेरेंट्स जब कह रहे हैं कि स्कूल नहीं लग रहा तो हम लोग फीस देने में असमर्थ है, तो पेरेंट्स फीस क्यों नहीं दे रहे? मतलब महामारी में तुम लोग ये चाहते हो कि महामारी में तुम लोग नॉर्मल साल से 4 गुना ज्यादा पैसे कमाओगे। माता पिताओं की बेचारों की नौकरी छूटी हुई है, उनकी जॉब नहीं है, काम धंधे नहीं है, उसके बाद तुम लोगों को 4 गुना कीमत चाहिए। ना तो तुम स्टाफ की सैलरी दे रहे हो, ना तुम बसों का स्टाफ की किसी की सैलरी दे रहे हो, और तुमको फीस पूरी चाहिए। ऑनलाइन क्लासेस के नाम पर तुमने धंधा खोल रखा है। इस पेरेंट्स ने तुमको डायरेक्टर बनाया, इस पेरेंट्स के कारण तुम्हारा मान सम्मान है, इज्जत है। अगर तुम इनको एक बार उनको सहयोग की जरूरत लगी, तुम लोग उनका एक बार सहयोग नहीं कर सकते? और ऊपर से अगर कोई कर रहा है, 600 बच्चों की 60 लाख रुपए फीस होती है जो ग्रेविटी स्कूल टॉप कला देवास ने माफ करी है, तो तुम लोगों को वो भी हजम नहीं हो रही, दूसरे ने क्यों करी? हम तो नहीं करेंगे, तुमने क्यों करी है? और तुम मुझे एसोसिएशन से बाहर निकालने का बोलते हो, तुम्हारी एसोसिएशन की मुझे जरूरत ही नहीं है और तुम्हारी एसोसिएशन में हुई नहीं। मैं शुरू से तुम ड्रेस के ऊपर कमीशन खाने वाले लोग मुझे सिखाओगे एसोसिएशन क्या होती है? बच्चा सुबह से तैयार होता है, उसके माँ बाप का कहना नहीं मानता, वो बोलता कि टीचर का कहना मानेंगे, जो टीचर बोलेगा वो करेंगे। तुम्हारा इतना सम्मान उस बच्चे की नजर में, उस बच्चे को पता है कि तुमने जो मोनो लगाया उस पर 200 रुपए तुम उसकी ड्रेस पे कमीशन खा चुके हो? मेरे स्कूल में आज तक ड्रेस के ऊपर कमीशन लिए ना कोई मोनो है। मेरे गांव के टेलर या कहीं से भी वो कपड़ा लेके खरीदते हैं और बनाते हैं कपड़े, कोई 1 रुपया ग्रेविटी स्कूल में कमीशन नहीं आता। 11 साल हो गए इस बात में, तुम चाहो तो पूछ सकते हो 600 बच्चों के पेरेंट्स से। तुम हमको सिखाओगे और एसोसिएशन बना ली तुमने? गुंडों से भी बदतर इमेज है प्राइवेट स्कूल वालों की, और 90% प्राइवेट स्कूल वाले वो है जो जीवन में अपने कुछ नहीं कर पाए तो उन्होंने फिर हंसता बसता के प्राइवेट स्कूल खोल लिए। तुम सब इंस्पेक्टर बन जाते तुम प्राइवेट स्कूल खोलते क्या? तुम पटवारी बन जाते प्राइवेट स्कूल खोलते क्या? 90% स्कूल वाले, मैं गारंटी ले लूं, वो कोई सरकारी एग्जाम नहीं निकाल पाए तो उन्होंने प्राइवेट स्कूल धंधे जैसा खोल लिया। तो तुम्हारी धंधे जैसी सोच है, तुम्हें शिक्षक वाली बात ही नहीं आ पाएगी। तुम हमेशा एक बिजनेसमैन की तरह सोचोगे, बंदूक लेके लूटने वाले डाकू से भी बदतर है तुम्हारी इमेज, और तुम उससे भी घिनौना और गिरा हुआ काम कर रहे हो, क्योंकि वो तो बड़े को लूटते हैं, व्यापारियों को लूटते हैं, तुम छोटे छोटे मासूमों को लूटने पे तुले हो। इस महामारी के दौर में तुमको 10 साल 15 साल से वो पेरेंट्स तुम्हारे यहाँ पैसे जमा कर रहा है, एक बार उसको मदद की जरूरत है, उसके ठेले बंद पड़े, कोई पानी पतासी के ठेले चला रहा था, कोई जॉब कर रहा था,
किसी की 10,000 की जॉब थी सिटी में, जैसे तैसे किराए का मकान लेके बच्चे पढ़ा रहा था, लेकिन तुमने लूटना नहीं छोड़ा। तुम 4 महीने उनके मदद नहीं कर सकते, 6 महीने तुम्हारे स्टाफ को सैलरी नहीं दे सकते जिस स्टाफ ने तुम्हारे यहाँ काम करा। बेवकूफ समझ रहे हो तुम पेरेंट्स को। ऊपर से जो कोई अच्छा काम करना चाह रहा है उसके ऊपर प्रेशर बना रहे हो, तो प्रेशर की धमकी की बात और एसोसिएशन की बात यहाँ नहीं चलेगी। तुम लोग फीस माफी करो, या अपने आपको डायरेक्टर बोलना या शिक्षक बोलना बंद करो। तुम अपने आपको बिजनेसमैन बोलो फिर, कि हम एक बिजनेसमैन है और हम किसी भी कीमत पे पैसा कमाना चाहते हैं। बोलने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन कुछ उल्टा सीधा निकल जाए तो डायरेक्टर को बोलना शोभा नहीं देता। इसलिए मैं यही अपनी बात को समाप्त करता हूँ, और ये अपने बात में दिमाग में रखोगे, तुम एक टीचर हो, तुम एक शिक्षक हो, और बच्चों से बच्चों के और बच्चों के पेरेंट्स का खून चूसना बंद करो। तुम 5-10 बीघा जमीन वाला पेरेंट्स गांव से 2 बच्चों को भेजता है, 50-60 हजार रुपए छोड़ाते हो तुम। क्या IIT की क्या तैयारी करवा रहे हो तुम? उसको उसको इंग्लिश लिखना नहीं आता, इंग्लिश पढ़ना नहीं आता। 4-5 साल होगा उसको सिटी में स्कूल आते आते। उसका पिताजी 2 से 2.5 लाख रुपए तुमको दे चुके हैं। तुम क्या स्पेस की रिसर्च करवा रहे हो? क्या करवा रहे हो? 50,000 फीस किस बात की लेते हो तुम बच्चे से? मैं खुद स्कूल चलाता हूँ, 10,000 रुपए में साल में बच्चे पढ़ाते हैं, और हमारे यहाँ के बच्चे 95% से बोर्ड एग्जाम क्लियर करते हैं। और आके देख लो उनको, 10,000 रुपए में मैं कमाता भी हूँ, मेरा प्रॉफिट भी निकलता है, मेरी बसों की किस्त भी भराती। तुम 50,000 रुपए किस बात की लेते हो? नासा की रिसर्च करा रहे हो तुम, कि इसरो का कोई स्पेस साइंस का कुछ कोर्स करा रहे हो? कमी किताबों पे तुम कमीशन खाते हो, ड्रेस पे तुम कमीशन खाते हो। 12-12, 15-15 साल, 20-20 साल से इन बच्चों के पेरेंट्स का खून चूस रहे हो। एक बार उनको मदद की जरूरत लगी महामारी में, तो तुम लोग एक बार पीछे हट गए। मतलब तुम 4 गुना कमाना चाहते हो? बंद स्कूल की फीस चाहिए तुम लोगों को? शर्म आना चाहिए तुम लोगों को। जय हिंद, जय भारत। अगर आप परेशान हैं अपने घर और ऑफिस में आई सीलन से और चाहते हैं अपने ऑफिस को अच्छे से सजाना, तो हमसे कांटेक्ट कीजिए। हम सजाएंगे आपके घर को 3D वॉलपेपर से, जी हाँ, और आपको दिलाएंगे हमेशा के लिए सीलन और पपड़ी से छुटकारा। तो उठाइए अपना फोन और हमें डायल कीजिए नीचे दिए गए नंबर्स पे।